हमें समझ आ रही थी कि हम भी सरवाइव नहीं कर सकते इस वर्ल्ड में अगर हम डिजिटल सिटीजन ना बने। तो डिजिटल नागरिक स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, प्रिंसिपल भी है, और मेरा ख्याल है इवन द कम्युनिटी के जितने लोग हैं, फैमिलीज को भी डिजिटल नागरिक बनना है, और इवन गवर्नमेंट्स को डिजिटल नागरिक बनना है। तो आई थिंक इट इज समथिंग दैट शुड बी मोर ग्लोबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसका नाम है डिजिटल इलिटरेसी? डिजिटल इलिटरेसी, जी हाँ दोस्तों, सही सुना, डिजिटल इलिटरेसी। और कमाल की बात तो यह है कि डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल इलिटरेसी में सिर्फ एक धागे का फर्क है। अगर आप रहेंगे धागे के इधर तो कायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप आएंगे धागे के उधर तो आपका होगा नुकसान, नुकसान होगा तो मुस्कान जाएगा। तो बताइए धागे के कौन से साइड रहेंगे आप? लिटरेसी के। तो भैया लिटरेसी के साइड रहने के लिए कुछ कदम है, तो आइए आपको वही कुछ कदम बताते हैं। मैं सीमा जयरथ हूँ, प्रिंसिपल डीएलएफ पब्लिक स्कूल। ये साहिबाबाद में एक स्कूल है, हम इसको थिंकिंग स्कूल विद अ सोल कहते हैं, जहाँ पर बहुत एम्फेसिस है ऑन क्रिएटिंग इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स फॉर द कंट्री। हमने डिजिटल सिटीजनशिप जब शुरू करा, सीबीएसई ने ये दिसंबर 2021 में एक स्किल बेस्ड करिकुलम 3 लेवल्स के लिए बनाया था। जब इसको फाइनली लॉन्च करा तो हमने सारे टीचर, हमने ये आईटी टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, हर सब्जेक्ट के टीचर को पहले हमने 1M1B से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने 3 दिन का बूट कैंप करा हमारे लिए, हमारी 170 टीचर्स को ट्रेन करा उन्होंने इसके पूरे कोर्स के ऊपर। उसके बाद हर सब्जेक्ट की टीचर, हर टीचर ने इसको कैस्केड डाउन करा। जिस समय वो कोर्स, हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो टीचर्स ने ये बात बोली कि मैम हमारी भी साइबर बुलिंग होती है, ये बात उठ के आई, बच्चे हमारे लिए मीम्स बनाते हैं हमारे बारे में, हमारे को भी वो इंसल्टिंग लगता है, हमारी भी बुलिंग होती है। तो तब हमारे को ये भी समझ आई कि ये सिर्फ बड़े बच्चों के लिए नहीं होना है, हमारे को उस एज ग्रुप तक जाना है जहाँ हम बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब तक वो अपने पीयर्स के इन्फ्लुएंस में आने से पहले, जब वो हमारे, हम उनकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हमने ये इस पूरे करिकुलम को रीजिग करा, और 3rd से लेकर 12th क्लास को जुलाई ऑफ 2022 हमारा ये मंथ की थीम थी डिजिटल सिटीजनशिप और डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल अवेयरनेस। हम सब जानते हैं सीबीएसई ने एनईपी के दौरान एक्सपीरियंशियल लर्निंग को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आज हमारे बच्चे यहाँ डिजिटल नागरिकता के बारे में पोस्टर बना रहे हैं। अब नई दुनिया से बच्चों को रूबरू करवाना, अब मैथ्स अपने में एक दुनिया है, केमिस्ट्री अपने में एक दुनिया है, इसी तरह टेक्नोलॉजी और डिजिटल जो दुनिया है वो भी अपने में एक नई दुनिया है, और उससे बच्चों को रूबरू करवाना कंप्लीट जिम्मेदारी है स्कूल की और उसके हर एक टीचर की। और मेरे ख्याल से हम ये जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभा रहे हैं, और हम ये कैसे निभा पाते हैं, हम स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक का अमेलगमेशन, जिसे कहते हैं आर्ट इंटीग्रेशन, हम उसके ज़रिए बच्चों से आए दिन ऐसे मुद्दों पर कोई ना कोई परफॉर्मेंसेस करवाते हैं, म्यूजिक, डांस और ड्रामा के जरिए सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके। हमारा मानना यह है कि जैसे जैसे डिजिटल अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चों में एक एथिकल डिसीजन मेकिंग आएगी। पर अगर बात आती है विद्यार्थियों पर तो ये हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, या हमारे लिए कर्तव्य है, एक दायित्व है, क्योंकि हम इस देश की युवा पीढ़ी हैं, हम इस देश का भविष्य हैं, और ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम डिजिटली लिटरेट हों। ये पूरे स्कूल को कैस्केड डाउन करा, हर रोज 1/2 आवर फॉर 1 मंथ। पूरे स्कूल के जो तीनों फ्लोर्स पे 80 बोर्ड्स हैं, 80 के 80 बोर्ड्स अलग अलग डिजिटल सिटीजनशिप की थीम थी। जो हमारा जीके का करिकुलम है वो हमारे वॉल मैगजीन की थीम से ही निकलता है, तो हमारा जीके का पेपर जो था उसमें भी, अब जो जीके जनरल अवेयरनेस होता है उसमें क्वेश्चन सारे डिजिटल सिटीजनशिप के थे। तो एक तरह से ये काफ़ी हमारे जहन में चला गया, और आज 1 साल बाद ये जुलाई है फिर से, इसका इम्पैक्ट भी हमें दिखता है बच्चों के। बॉल के पार से, कभी फिशिंग के बार से।